जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सूरजकुंड स्थित बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान जेल के कमरों की छानबीन की गई, जिसमें 3 कीपैड मोबाइल, नशीला पदार्थ, चार्जर, ईयरफोन का बरामद किया गया, जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं कि बाल संरक्षण गृह में यह सभी वस्तुएं कैसे प्रयोग की जाती थी, जिसकी जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आज जनपद गोरखपुर के जिला जज महोदय एडीएम सिटी एवं मेरे द्वारा बाल संरक्षण गृह गोरखपुर का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में सभी कमरों की छानबीन की गई एवं खुफिया सूत्रों से पता चला था कि उसमें कई प्रकार के मोबाइल प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस तरह छापेमारी में 3 मोबाइल, जिसमें 2 छोटे छोटे मोबाइल बहुत मिनिएचर वर्जन के 1-2 इंच के मोबाइल जो कहीं भी छुपाए जा सकते हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा था एवं साथ में अन्य कई प्रकार के कड़े एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। इस आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के बाद में जिला जज महोदय द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं एवं जांच कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित में लाई जाएगी। इसमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि इस तरह का फ़ोन कैसे बाल संरक्षण गृह के अंदर तक पहुंचा, उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा था, बाल संरक्षण गृह के अधिकारियों को जानकारी नहीं थी। इस तरह की तमाम बातें हैं, उन सब तमाम बातों की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।